विद्यार्थियों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जीडीपी में होने वाला जो ग्रोथ रेट है वो किस तरीके से अनुमान लगाया गया है 2018-19 के लिए। जैसा कि आप देखेंगे 2018-19 के लिए बजट में बजट 2018-19 में जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए वो 7 से लेकर के 7.5% इट मींस फ्रॉम 7 to 7.5% एस्टीमेट का अनुमान लगाया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस बजट के माध्यम से सरकार यह बताना चाहती है कि अर्थव्यवस्था पर अब नोटबंदी और जीएसटी के जो शुरुआती प्रभाव थे जो कि सकारात्मक नहीं पड़ रहे थे उसका प्रभाव अब समाप्त हो गया है। अर्थात नोटबंदी से जो सुस्ती आ गई थी जो स्लो डाउन आ गया था इकोनॉमी में उस स्लो डाउन से अर्थव्यवस्था उबरने में सक्षम हो गई है जिसके नाते 7 to 7.5% के ग्रोथ रेट की बात की गई है। और ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि आगे 2019-20 का जो बजट होगा उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 8% से अधिक ग्रोथ रेट तक पहुंच जाएगी। और अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत के इस अनुमान को सकारात्मक बताया है। खुद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत ग्रोथ का इंजन बनेगा आगे चल करके पूरी विश्व अर्थव्यवस्था के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक सुधार हुए हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है और जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक समृद्धि दर को प्राप्त करेगी। तो एक बार आप बहुत जो ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो नई सरकार मोदी की सरकार प्रधानमंत्री की जो नई सरकार है इसको अगर आप देखेंगे जब से शुरू हुई है तो ग्रोथ रेट 7.2% यहाँ पे रहा और 2015-16 में देखेंगे तो ये 7.6% हो गया और इसके बाद 2016-17 में आप देखेंगे तो 7.1% हो गया। यदि आप जानते इसी वर्ष में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई जिसके नाते दिसंबर का महीना जनवरी का महीना फरवरी का महीना और मार्च का महीना जो वित्तीय वर्ष 2016-17 का रहा वह सुस्ती का रहा जिसके नाते ग्रोथ रेट यहां से गिर गई और 2017 में देखेंगे तो उसका इंपैक्ट और रहा और ग्रोथ रेट गिर करके 6.5 to 6.75 तक पहुंच गई। और अब जाकर के ये अनुमान है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से लेकर 7.5% का ग्रोथ करेगी। यद्यपि अभी के अनुमान से जो मई महीने में हम अनुमान लगा रहे हैं इसके अनुसार 7.5 के लक्ष्य को प्राप्त करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई कठिन बात नहीं रह गई है क्योंकि कर सुधार जो हुए हैं उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और इसके अलावा निवेश भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ब्राइट स्पॉट साबित होती चली जा रही है। इस नाते पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था आकर्षण का केंद्र बनती हुई चली गई है। अच्छा अगर आप देखिए पहले जो ग्रोथ रेट थी वो 5.4 की 2012-13 में ग्रोथ रेट थी और 2013-14 में ग्रोथ रेट 6.3% की हो गई लेकिन इसके बाद यहां से बहुत तेजी से सुधार जारी रहा और ग्रोथ रेट में आप देखेंगे कि एक जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की जनरली पोजीशन रही है। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक दहाई अंकों में समृद्धि दर नहीं होगी तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में सबके लिए संसाधनों को सृजित करना संभव नहीं होगा क्योंकि इस ग्रोथ रेट से ना तो सबके लिए रोजगार और ना ही सबके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। इसीलिए आप जानते हैं इस प्रकार की ग्रोथ रेट जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति को उत्पन्न करती है और सरकार की सबसे बड़ी आलोचना भी आप देखेंगे कि यही है कि जो हमारी आर्थिक समृद्धि दर है वो सबके लिए रोजगार और स्वरोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही है क्योंकि भारत में जितना संसाधन चाहिए उतना संसाधन प्राप्त करने के लिए 10% से अधिक की ग्रोथ रेट प्राप्त करना होगा। अगर आप 10% से अधिक का ग्रोथ रेट प्राप्त कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इतने संसाधन सृजित कर ले जाते हैं क्रिएट कर ले जाते हैं जिससे आप भारत में जो युवा वर्ग है उसके लिए
एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार और स्वरोजगार के लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर पाएगी। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक बार 1988 to 1989 में ही सिर्फ एक बार ग्रोथ रेट 10.3% रही है। बाकी भारत की अर्थव्यवस्था में कभी भी दहाई अंक में कोई भी समृद्धि दर आज तक पाई नहीं गई है। केवल यही एक वर्ष रहा है जो सबसे अधिक समृद्धि का रहा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर 10% से अधिक की ग्रोथ रेट लगभग डेढ़ दशक तक भारत में रही, कम से कम 15 वर्षों तक रहे, तो भारत में जो संसाधन सृजित होंगे उससे भारत की अर्थव्यवस्था में नागरिकों की सभी आवश्यक जरूरतों को पूरा करना संभव हो जाएगा। वैसे भी सरकार का जो है कहना है, और आपने देखा कि आर्थिक विशेषज्ञों ने भी ये सुझाव दिया, इकोनॉमिक सर्वे में उसका वर्णन भी है कि भारत को तुरंत 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है आधारभूत संरचनाओं में निवेश के लिए तुरंत। अर्थात अगले 10 वर्षों में हम लोगों को इतना पैसा जुटाना होगा। और अब की बार आधारभूत संरचना में भारत सरकार के द्वारा 5,97,000 करोड़ रुपए जारी किया गया है। तो अगर आप देखेंगे किस हिसाब से लगभग 8 से 9 साल लगेगा इतना निवेश करने में, अगर इस तरीके की अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती रही, संसाधन सृजित होता रहा। तो एक बार बहुत ध्यान से आप देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट तो है, और ये ग्रोथ रेट जो भारतीय अर्थव्यवस्था में है ये दुनिया में सबसे अधिक ग्रोथ रेट है। दुनिया के किसी भी देश में भारत जैसी जो है समृद्धि दर नहीं है। दुनिया के जो बड़े मेजर इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी है, उनमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट इतना नहीं है जो हमारे लिए कम ग्रोथ रेट है। जब भारत को चाहिए 10% से अधिक की ग्रोथ रेट, लेकिन जो ग्रोथ रेट आपके पास है यही पूरी दुनिया के लिए जो है बहुत ज्यादा है। और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था संभावनाओं की अर्थव्यवस्था मानी जा रही। अब जरा ये देखा जाए कि ये जो ग्रोथ रेट प्राप्त हुई है यह किन किन क्षेत्रों से और कितना कितना रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था में है। और तीनों क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो यद्यपि सर्विस सेक्टर जो है ये जीडीपी को सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है, यद्यपि एम्प्लॉयमेंट को कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जीडीपी को सबसे अधिक कंट्रीब्यूट करता है। अगर टोटल जीडीपी का आप देखेंगे तो 55.2% ऑफ जीडीपी इज कम फ्रॉम सर्विस सेक्टर। और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे 2016-17 के अगर हम लास्ट ईयर के डाटे को, जो रियल एस्टिमेट है, वास्तविक आंकड़े को देखें, तो कृषि का योगदान कुल अर्थव्यवस्था में सिर्फ 16.2% के आसपास है, अर्थात 16% के आसपास है। जो कि अगर आप देखें तो 2012-13 की का जो वित्तीय वर्ष था उसमें लगभग 18% था कुल कृषि का, कुल जीडीपी में योगदान 18% के आसपास था, जो घटा है और 16% के आसपास रह गया है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। लगभग 49% जनसंख्या जो है कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर करती है। इसलिए हम लोगों को देखना होगा कि सर्विस सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का जो है समृद्धि दर में क्या योगदान रहा। देखिए, आप सभी लोगों ने देखा कि पूरी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट रही है पिछले 4 वर्षों में वो इस प्रकार से रही है। 2014-15 में 7.2% की ग्रोथ रेट रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये 7.2% की जो ग्रोथ रेट रही है इसमें कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का सबसे अधिक रहा है, वो सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है। 10.3% ऑफ ग्रोथ इज कम फ्रॉम सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2014-15। और अगर देखेंगे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो ग्रोथ रेट 5.9% था और कृषि का नकारात्मक नेगेटिव ग्रोथ रेट था। लेकिन फिर भी पूरा ग्रोथ रेट जो निकल करके आया वो 7.2% का।
इसी प्रकार से देखेंगे कि 2015-16 में जो समृद्धि दर रही वो 7.6% रही, पिछले की तुलना में बढ़ी। लेकिन इसके बढ़ने का क्या कारण रहा? आप देखेंगे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जो नेगेटिव रहा, यहाँ पे वो पॉजिटिव हुआ। 1.4% का लीड तो यही पे अर्थव्यवस्था को मिली। और यहाँ पे देखेंगे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रहा उसकी भी ग्रोथ रेट बढ़ी, यहाँ पे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट घटी है 2015 में। यहाँ पे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट घटी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सेवाओं की मांग है वो प्रभावित हुई है। विकसित देश खासकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती रही है पिछले एक दशक में, और इस नाते सर्विसेज की जो सबसे अधिक मांग है वो यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों में रही है। और भारत का जो सबसे बड़ा लाभ रहा है जिस सेक्टर को, वो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज रहा है, कॉल सेंटर्स रहे हैं, और बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, एमपीओ, मतलब आउटसोर्सिंग के जो क्षेत्र रहे हैं इनको सबसे अधिक लाभ रहा है। लेकिन 2015-16 में आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं की मांग के घटने के कारण यहाँ पे ग्रोथ रेट सेवा की घटी, लेकिन आप देखिए यहाँ इसकी ग्रोथ रेट बढ़ी और एग्रीकल्चर सेक्टर की भी ग्रोथ रेट बढ़ी, जिसके नाते हम ज्यादा समृद्धि दर देने में सक्षम रहे पिछले की तुलना में। यद्यपि आप जानते हैं ट्रंप के शासन में आने के बाद संरक्षणवादी नीतियों को बढ़ावा मिला, और यूरोप में भी जो है ब्रेक्सिट की घटना होने के कारण 2016 में आप जानते हैं ब्रेक्सिट की घटना हुई, और उसके नाते संरक्षणवादी प्रवृत्तियां और बढ़ने लगी, जिसके नाते आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट लगातार घट रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 8.3% हो गई, क्योंकि सेवाओं के मामले में भारत दुनिया में 8वें नंबर का देश है जो सबसे अधिक सर्विस को प्रोवाइड करता है, और उसमें आईटी एनेबल सर्विसेज में तो भारत का पूरी दुनिया में दबदबा है, बल्कि दुनिया में भारत की पहचान इसीलिए है। लोग कहते हैं भारत को क्यों जाना जाए, तो आईटी, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी हमारा जो है सबसे बड़ा जो है बिंदु रहा है, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा उसमें आईटी के कारण। आईटी में जैसे जैसे आप देखें डिग्रेडेशन हो रहा है तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रेट घट रही है। यहाँ पे ट्रंप का शासन आ जाता है, और ट्रंप के शासन में आने के बाद आप देखें कि ग्रोथ रेट लगातार घट रही है, क्योंकि अकेले जो सॉफ्टवेयर का निर्यात $60 बिलियन होता रहा था वो अकेले अमेरिका को होता रहा, लेकिन H-1B वीजा में आने वाले समस्याओं के कारण H-1B वीजा, H-4 वीजा, L-1 वीजा और L-2 वीजा में समस्याओं के कारण ये जो $60 बिलियन का अकेले अमेरिका को निर्यात रहा है ये अब 40 से 45 बिलियन तक घट के आ गया है, जिसके नाते आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ रेट खाली एक देश अमेरिका के कारण, दूसरा यूरोपीय देशों में भी यही इसी प्रकार की प्रवृत्तियां पाई गई हैं, जिसके नाते सर्विस सेक्टर में लगातार ग्रोथ रेट घट रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अभी भी सेवा क्षेत्र 8% से अधिक ग्रोथ रेट देने वाला भारत का एकमात्र क्षेत्र है, अर्थात 8% से अधिक ग्रोथ रेट हम 2018-19 में ग्रोथ रेट चाहते हैं more than 8%, लेकिन more than 8% का ग्रोथ रेट हमारा एक जगह बना हुआ है कंसिस्टेंटली, अगर आप देखें तो इसमें कंसिस्टेंसी है, और ये ग्रोथ रेट 8% से अधिक है, अर्थात भारत का सेवा क्षेत्र अभी बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ है। यद्यपि 10% से अधिक ग्रोथ करने वाला जो हमारा सेक्टर था वो 8.3% पर आ गया है, तो ये हमारे लिए चिंताजनक स्थितियां हैं, क्योंकि जॉब के लिए सर्विस सेक्टर में उतनी अनुकूल दशाएं नहीं रह गई हैं, और सैलरीज को आप देखेंगे इसीलिए सैलरी लगातार घट रही है, और कई लोग जॉबलेस भी हो रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर का निष्पादन तो घटा है, लेकिन अभी भी भारत में सबसे अधिक समृद्धि देने वाला, सबसे अधिक ग्रोथ रेट देने वाला जो सेक्टर है वह सेवा क्षेत्र ही है। इस नाते इस क्षेत्र का महत्व अभी भी पूरे जीडीपी के लिए और ग्रोथ रेट के लिए बहुत ही अधिक है, अर्थात इस सेक्टर को हम इग्नोर करके हम समृद्धि दर के इस प्रकार के लक्ष्य को नहीं पा सकते। और आगे चल करके हम 10% से अधिक का ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं तो इस सेक्टर को भी हमको बचाना होगा, और इस सेक्टर को भी हमको लगातार आगे बढ़ावा देना होगा, तभी हम ग्रोथ रेट के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्विस सेक्टर से
समाज के सभी वर्गों का को लाभ नहीं होता, क्योंकि सर्विस देने की क्षमता, सेवा देने की क्षमता सभी वर्गों में नहीं होती है। सेवा देने के लिए एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग और मैनेजमेंट जैसे कार्यक्रमों की जरूरत होती है, और शिक्षा, प्रबंधन, प्रशिक्षण, यहाँ तक पहुंच समाज के सभी वर्गों की नहीं है। इसलिए सभी वर्ग सर्विस देने की क्षमता में नहीं है, जो सर्विसेज की डिमांड है, और हाई स्किल सर्विसेज को की डिमांड यूएसए में और यूरोपीय यूनियन जैसे देशों में नहीं है। इस नाते इस सेक्टर की ग्रोथ करने से अर्थव्यवस्था में विषमता बढ़ती है, डिस्पैरिटी बढ़ती है, और एक तरीके से एक ही देश में दो देश की स्थितियां पनपने लगती हैं। भारत के पूरा शहरों का जो विकास हुआ है, शहरों में ऐसा नहीं कि कोई भारी भारी उद्योग हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं जो उद्योगों के नाते विकसित हुए हैं। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो कानपुर का विकास उद्योगों के विकास के कारण हुआ था, या मेरठ वगैरह का विकास खिलौना और इन सब चीजों के कारण हुआ था। ऐसे जानते हैं कुछ कुछ शहरों का ही विकास जो है औद्योगिक कारणों से हुआ था, बाकी सभी शहरों का विकास सर्विस प्रोवाइड करने वाले सेंटर के रूप में ही हुआ। मुंबई इतना बड़ा शहर है लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और जो है फिल्म इंडस्ट्री के कारण ही मुख्य रूप से जाना जाता है, और वही जो है उसका जो है सर्विस देने के कारण ही उसकी पहचान रही है। बंगलुरु इतना बड़ा शहर विकसित हुआ, हैदराबाद इतना बड़ा शहर विकसित हुआ, पुणे का विकास हुआ है। आधुनिक समय में अगर आप देखें तो अहमदाबाद, जयपुर, इन सभी का जो विकास हो रहा है वो सर्विस सेंटर के रूप में हो रहा है, अर्थात इससे कुछ शहरों का विकास हो जाता है, अर्थात गांव और शहर के बीच इससे दूरी बढ़ती है, और भारत गांव और शहरों के बीच में बढ़ता है, अर्थात सर्विस सेक्टर का विकास फिर भी सर्विस क्षेत्र के, सेवा क्षेत्र के विकास को इग्नोर नहीं किया जा सकता अगर आप ज्यादा ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था में जो भारत की अर्थव्यवस्था की वैश्विक पहचान है, उस वैश्विक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए आपको ग्रोथ रेट को और बढ़ाना होगा, तभी भारत का एमर्जेंस संभव होगा, और उसमें हमें सर्विस सेक्टर को भी महत्व देना होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरे जीडीपी में 55.2% ऑफ जीडीपी इज कम फ्रॉम सर्विस सेक्टर, और आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा है, एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करता है 16% ऑफ जीडीपी, ये जीडीपी को सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है। और आप अगर समझेंगे निर्यात में इसकी अभी भी भूमिका, कुल निर्यात में कृषि क्षेत्र का योगदान अभी भी सिर्फ $30 बिलियन का है, पूरा कृषि क्षेत्र सिर्फ $30 बिलियन का निर्यात करता, अकेले अमेरिका को भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात $7 बिलियन का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि केवल एक और पूरे आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट है भारत आज भी $97 बिलियन सिर्फ आईटी एनेबल सर्विसेज से निर्यात करता है, सिर्फ एक सेवा का क्षेत्र कृषि क्षेत्र से 3 गुना से भी ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का कुल निर्यात में जो योगदान है वो बहुत ही कम है, और इस प्रकार के योगदान से वैश्विक उभार तो नहीं संभव हो सकता। हाँ, लेकिन कृषि को हम छोड़ भी नहीं सकते, कृषि को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत में सर्विस सेक्टर लगातार बेहतर परफॉर्म करता रहा है, पिछले जो है वर्षों में इसमें गिरावट है, लेकिन अभी भी इसका जो है अर्थव्यवस्था में योगदान भी बहुत अधिक है। पिछले 2-3 वर्ष पहले अगर 2014-15 का बजट देखेंगे तो कुल जीडीपी में योगदान इसका 52% तक ही चला गया था, लेकिन पुनः दोबारा बढ़ा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट रही है वो जो 2014-15 में रही है उसकी तुलना में 2015-16 में बढ़ी है और 1.2% हो गई, और 2016-17 में देखेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाती है कृषि के लिए, 4.9%। कृषि के लिए यही ग्रोथ सबसे अधिक ग्रोथ मानी जा रही है, क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर 4% से अधिक ग्रोथ रेट कृषि में हो जाता है तो कृषि का सबसे बेहतर विकास है। अगर कृषि में 4% से अधिक का ग्रोथ रेट पाया जाए, इसका मतलब भारत
कृषि में सबसे अधिक परफॉर्म कर रहा है, कृषि में सबसे अधिक सफल रहा है अपने कार्यक्रमों में। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो 4.9% की जो ग्रोथ रेट 2016-17 की रही, वो एक आदर्श ग्रोथ रेट रही कृषि क्षेत्र में, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक समृद्धि पाई ही नहीं जा सकती। खुद अरविंद पनगड़िया जी, इसी मुद्दे पे एक तरीके से विवाद ही उत्पन्न हुआ और राजीव कुमार को नीति आयोग में लाना पड़ा, क्योंकि पनगड़िया जी का यह मानना था, जो गुजरात गुजरात मॉडल के जन्मदाता थे, उनका यह मानना था कि कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट हो ही नहीं सकती, इसलिए वो जितने भी कार्यक्रम बना रहे थे उसमें कृषि को बहुत महत्व नहीं दे रहे थे। और अंततः राजीव कुमार को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, उनको लाया गया। इसका मूल कारण है कि राजीव कुमार यह मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट हो सकता है। आप देखिए पनगड़िया का क्या तर्क था, अरविंद पनगड़िया का यह तर्क था कि व्यक्ति अगर 10,000 रुपए कमाता है तब भी उतना ही खाता है, और 1,00,000 कमाता है तब भी उतना ही खाता है, 5,00,000 कमाता है तब भी उतना खाता है। अगर खाने की जो डिमांड है वो लगभग उतनी ही रहती है। बहुत होगा कि जब आपकी कम आय होगी तो आप रोटी सब्जी चावल दाल या इस तरीके की चीजें खाएंगे, और जब आपकी आय थोड़ा सा बढ़ जाएगी तो आप पिज्जा बर्गर जैसे चीजों को खाएंगे, या होटलों में जाके खाएंगे, या बहुत जो है वीकेंड में आप ट्रिप लेंगे, या अनेक रेस्टोरेंट में जाकर के वहां की सेवाएं लेंगे। तो रेस्टोरेंट में जब आप सेवाएं लेंगे तो उससे सर्विस सेक्टर का विकास होगा, उससे कोई कृषि सेक्टर का तो विकास होगा नहीं। तो इसलिए यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में आय बढ़ने पर कृषि क्षेत्र की वस्तुओं की डिमांड बहुत अधिक नहीं बढ़ती है। बहुत होगा कि आप जब बहुत गरीब होंगे तो हो सकता है कि आप ठीक से खाना ना खाते हो, थोड़ा सा कमाई बढ़ी तो आप ठीक से खाना खाने लगे, ठीक से भोजन लेने लगे, और थोड़ा सा और कमाई आपकी इनकम बढ़ गई तो आपने जो है सब्जियों फलों या जो है डेयरी के उत्पादों या पोल्ट्री प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट का उपयोग आप ज्यादा करने लगेंगे, तो उस तरीके से इन क्षेत्रों का थोड़ा सा विकास ज्यादा होने लगेगा, ग्रोथ ज्यादा होने लगेगा। और अगर आप सन 2000 के बाद देखें, 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ उसके नाते लोगों की आय बढ़ी, और लोगों की आय बढ़ी तो सन 2000 के बाद भारत में फल और सब्जियों की मांग बहुत बढ़ गई, और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट की मांग बहुत, दूध की मांग बढ़ गई। अगर आप शहरों में सुबह दूध नहीं ले पाते हैं तो शाम तक दूध की थैली लेना, दूध का पैकेट लेना एक चुनौती भरा काम होता है, शाम को किसी भी दुकान पे नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है। इसी तरीके से पोल्ट्री प्रोडक्ट, अंडों की मांग, मीट की मांग भी बहुत बढ़ गई है। तो लेकिन इसकी भी एक सीमा है, बहुत अगर कोई भोजन में इन सब चीजों का उपयोग करेगा तो बहुत करेगा कि जो है रोज करेगा, 30 दिन करेगा, लेकिन उससे ज्यादा डिमांड नहीं हो सकती। इसीलिए अरविंद पनगड़िया का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकसित होने से, लोगों की आय बढ़ने से, रोजगार और स्वरोजगार बढ़ने से कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट को बहुत नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि सर्विसेज की डिमांड, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती। जैसे कोई धनी होता है, कोई किसी के पास आय आती है तो हो सकता है कि पहले वह इंटरनेट का 100 रुपए का पैक रिचार्ज करवाता रहा हो, अब वह 400 का रिचार्ज करवाएगा, आगे चलकर वह 1500 का रिचार्ज करवाएगा, और अगर एक दिन वो मूवी देखने जाता रहा होगा तो हो सकता है उसकी आय बढ़े तो 5 दिन मूवी देखने जाए, हो सकता है पहले छोटे सिनेमा में देखने जाए तो बड़े सिनेमा में देखने जाए, हो सकता है कि जब उसकी आय कम थी वो पर्यटन के लिए नहीं जाता हो, किसी ट्रिप के लिए नहीं जाता हो, लेकिन आय बढ़ गई तो वो गोवा घूमने के लिए, वो जो है उत्तराखंड घूमने के लिए, या साउथ इंडिया में घूमने के लिए, साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया घूमने के लिए ज्यादा जाने लगेंगे, या इंटरनेशनल ट्रिप भी लेने लगेंगे, जिससे सेवाओं की मांग बढ़ती जाएगी, बैंकों में खाता ज्यादा खुलवाने लगेंगे, ट्रांजेक्शन ज्यादा करने लगेंगे, इंश्योरेंस लेने लगेंगे, पेंशन फंड की व्यवस्था करने लगेंगे, सारे सेक्टर का विकास होने लगता है, फाइनेंशियल सेक्टर भी बढ़ने लगता है, सर्विसेस तमाम प्रशिक्षण की सेवाएं, प्रबंधन की सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, शिक्षा की मांग बढ़ जाती है, अर्थात सर्विसेज में कितना भी डिमांड बढ़ाया जा सकता है लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना भी डिमांड नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार से माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी समृद्धि की थोड़ी ज्यादा संभावना है,
क्योंकि अगर व्यक्ति के पास कम पैसा होता है तो उसके पास घर में टीवी ही नहीं, फ्रिज ही नहीं, एसी ही नहीं, फैन ही नहीं, तमाम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो नहीं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है वो नहीं, तमाम प्रकार के गैजेट्स है वो नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आपकी आय बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि बढ़ने से आपकी आय बढ़ेगी अर्थात रोजगार और स्वरोजगार बढ़ेगा तो आप इन सब चीज की डिमांड करने लगेंगे, आप ज्यादा टीवी खरीदना चाहेंगे, हर कमरे में बाद में टीवी लगाना चाहेंगे, एसी खरीदेंगे फिर हर कमरे में एसी लगाएंगे, फिर आप कार खरीदेंगे फिर सब लोगों के लिए कार खरीदेंगे, फिर आप मोबाइल खरीदेंगे फिर सब लोगों के लिए मोबाइल खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड रिलेटिवली ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होने के नाते ये सेक्टर ज्यादा ग्रोथ रेट वाला सेक्टर है, अर्थात कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को जो है औद्योगिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र की तुलना में ज्यादा ग्रोथ रेट दे सकता है और इन दोनों की तुलना में सेवा क्षेत्र ज्यादा ग्रोथ रेट दे सकता है। और बिना ज्यादा ग्रोथ रेट को पाए भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी वैश्विक पहचान नहीं प्राप्त कर पाएगी, तो अंतरराष्ट्रीय निवेश के आकर्षण का कारण नहीं बन सकेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो संसाधनों का फ्लो है ग्लोबलाइजेशन और न्यू ग्लोबलाइजेशन से जो संसाधनों का प्रवाह बढ़ा है उसका ज्यादा से ज्यादा अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का को फोकस करना होगा और उसमें आगे जाना होगा। लेकिन भारत सरकार के लिए चुनौती ये है कि भारत में विषमता इससे बढ़ने की संभावना रहती है और विषमता बढ़ी भी है, असमान विकास विकास नहीं करने के बराबर होता है और भारत में सर्विस सेक्टर के विकास से भारत में असमान विकास की दशा वैसे ही बन गई है। तो असमान विकास को समान बनाने के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र के समृद्धि दर को बढ़ावा दिया जाए, कृषि क्षेत्र में होने वाली समृद्धि दर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। अब इस नाते सरकार का फोकस अगर आप देखेंगे 2016-17 के बजट से ही थोड़ा थोड़ा हो गया था और 2017-18 और 2018-19 के बजट में पूरी तरीके से कृषि क्षेत्र को ही फोकस किया गया है, कृषि क्षेत्र पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। अगर आप 2018-19 के बजट को देखें तो टोटल बजट है 24.42 लाख करोड़ का, अर्थात 24.25 लाख करोड़ का लगभग बजट है और इसमें लगभग 14.5 लाख करोड़ रूरल या एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही खर्च किया गया है। अर्थात अगर आप देखेंगे तो लगभग दो तिहाई एक्सपेंडिचर, दो तिहाई ना कहें तो कम से कम 60-62% एक्सपेंडिचर ग्रामीण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र पर ही किया जा रहा है। इसका मतलब सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ रेट पर सबसे अधिक है। देखिए आप सभी लोगों ने देखा कि ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बार बढ़ी और इसके बाद यहाँ बहुत घट गई। सबसे पहले तो ये रीजन देख लें कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट घटी है इसका मुख्य वजह तो एल नीनो की घटना है और आप सभी लोग जानते हैं कि एल नीनो भारतीय मानसून के लिए विपरीत दशा उत्पन्न करता था। जब एल नीनो आता है तो भारतीय मानसून खराब हो जाता है, बरसात कम होती है या बहुत कम या कई कई बार तो बहुत सूखा पड़ जाता है, अर्थात जो है बरसात और बरसात कम होने से कृषि क्षेत्र के लिए पानी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर आपको कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो आपको सिंचाई की व्यवस्था पानी की व्यवस्था करनी होगी और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना है तो आपको बिजली की व्यवस्था करनी होगी और अगर आपको सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो कौशल और प्रबंधन और शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो कृषि क्षेत्र के विकास की जो मुख्य शर्त ही है वो है पानी की व्यवस्था अर्थात सिंचाई की व्यवस्था और भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है क्योंकि 46% भूभाग पर ही सिंचाई की व्यवस्था को करना संभव हो पाया है, अर्थात भारत का 46% भाग ही सिंचित है जहाँ या तो नहरें हैं या तो तालाब है या तो नलकूप है या जो भी मानव निर्मित साधन है वो केवल 46% भूभाग पर ही हो पाए हैं। ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 46-48% की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना
और पर ड्राप मोर क्राप जैसी योजनाओं की सफलता से ये बढ़ा है। और इसके अलावा कुसुम योजना जो 2018-19 में घोषित की गई है, अगर आप देखिए कुसुम योजना इसीलिए घोषित की गई है ताकि सोलर पंप लगाया जा सके। और इस नाते कुसुम योजना के माध्यम से सरकार एक तरीके से कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहती है। एक तो सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे उसी से बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। जब सिंचाई की व्यवस्था कृषि में हो जाएगी जैसे कुसुम योजना, तो अगर आप देखें तो ये बहुत मास्टर योजना मानी जा रही है 2018-19 की। इस योजना में फोकस है कि सोलर पंप को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। अगर सोलर पंप ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएंगे तो एक तो कृषि के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे सोलर प्लांट लगने के कारण कृषि क्षेत्र के लिए बिजली की 2400 घंटा व्यवस्था होगी, और जब कृषि के लिए 2400 घंटा बिजली की व्यवस्था होगी तो एग्रो इंडस्ट्री का विकास होगा, जिससे उद्योगों का विकास हो जाएगा। तो कृषि और उसके एलाइड सेक्टर में ग्रोथ रेट को बढ़ाना संभव हो जाएगा। अगर कृषिगत वस्तुएं उद्योगों के लिए कच्चा माल बनेंगी तो डिमांड किसका होगा? कृषि की वस्तुओं का होगा, तो इसका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा कृषि क्षेत्र का। अर्थात उद्योग दो तरीके के उद्योग हैं, एक है कि जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड इंडस्ट्री है उसका लाभ तो कृषि क्षेत्र को नहीं मिलता, या जो है केमिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसका लाभ भी जो है कृषि क्षेत्र को नहीं मिलता। लेकिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि आधारित उद्योग है, तो अगर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से कुसुम योजना के माध्यम से सरकार यहाँ पे यह फोकस कर रही है। तो जैसा कि आपने देखा, पहले तो ये समझ ले कि देखिए यहाँ तो 2014-15 में -0.2% की ग्रोथ रेट कृषि में थी, जो 2015-16 में 1.2% बढ़ी और 2016-17 में बढ़कर के 4.9% हो गई, जो कि कृषि के लिए आदर्श ग्रोथ रेट मानी जाती है, क्योंकि कृषि के लिए हम 8-10% की ग्रोथ रेट नहीं सोच सकते। अर्थशास्त्रियों का मानना है, इस संबंध में लगभग सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं कि अगर 4% से अधिक की ग्रोथ रेट कृषि में लाई जाए तो किसानों की दशा को, पिछड़ी दशा को सुधारा जा सकता है। और किसान जो आत्महत्या तक पहुंच गए हैं या अधिक किसान कृषि के साथ साथ बदहाल जीवन जी रहे हैं, उनके बदहाल जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए ये वाला जो वर्ष है ये तो आदर्श माना जाएगा। लेकिन आप जानते हैं 2016-17 की तुलना में क्यों ग्रोथ रेट यहाँ घटी, क्यों ग्रोथ रेट घटी? तो इसका मुख्य वजह एलिनो की घटना रही। एलिनो की घटना के कारण भारत के अनेक क्षेत्रों में मानसून औसत से भी कम निष्पादन करने वाला रहा, औसत से कम वर्षा हुई, और औसत से कम वर्षा होने के कारण अनेक फसलों का उत्पादन नहीं हो पाया। और अनेक फसलों का उत्पादन नहीं होने के कारण आप जैसा कि आपने देखा होगा दालों का दाम इसी दौर में बहुत बढ़ा, इसी दौर में दालों का दाम बहुत अधिक रहा, अनेक चीजों का दाम बहुत अधिक रहा। तो इधर दाल वाली फसलों को बहुत अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी में नमी नहीं होगी तो जो रबी की फसल वाली जो दालें हैं, जैसे चने की दाल है, मटर की दाल है, या मसूर वगैरह की दाल है, जो रबी की फसलों में मुख्य रूप से दालें उगाई जाती है, उनका उत्पादन तो घट जाएगा, क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं होगी। तो नमी ही मिट्टी के लिए पोषणता उत्पन्न करती है, पोषण की दशा उत्पन्न करती है, क्योंकि जो मिनरल्स फसलों को चाहिए, जो खनिज पौधों को चाहिए, खनिज पानी की उपस्थिति में ही घुलते हैं, तभी जड़ें सोख पाती हैं उनको। इसलिए नमी की आवश्यक मात्रा होनी चाहिए, इसलिए बरसात होना आवश्यक है सभी फसल के लिए। चाहे डायरेक्ट खरीफ की फसलें डायरेक्ट पानी ज्यादा लेती हैं, रबी की फसलें डायरेक्ट पानी नहीं लेती, लेकिन उनकी जड़ों में नमी अगर नहीं होगी, मिट्टी में अगर नमी नहीं होगी, तो जड़ों से घुल करके जो खनिज लवण आते हैं जाइलम के माध्यम से, वो नहीं आ पाएंगे, तो पौधों का पर्याप्त विकास नहीं होगा, तो उत्पादकता और उत्पादन दोनों कम हो जाएगा। इस नाते नमी का होना हर प्रकार की फसल के लिए जरूरी है, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट घटी। अब जब यहाँ पे ग्रोथ रेट घटी तो सरकार के ऊपर बहुत गंभीर दबाव पड़ा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में किसानों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक भारत सरकार ने रखा है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। और किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा अगर एग्रीकल्चर
सेक्टर में इस तरीके से ग्रोथ रेट घटेगी। इसलिए 2017-18 का बजट पूरी तरीके से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा और 2018-19 का बजट तो पूरी तरीके से फोकस रहा, क्योंकि लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए का बजट कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ही है। और आप जानते हैं 2018-19 के बजट में 11 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कृषि क्षेत्र को बैंकिंग लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। 11 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लोन के, जो कि 2017-18 में अगर आप देखेंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए ही कृषि क्षेत्र को बैंकिंग लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था। और उससे पीछे अगर आप देखेंगे, अगर उससे पीछे देखेंगे तो ये 8.5 करोड़ ही था, 8.5 लाख करोड़ ही था। तो कितना बड़ा जंप लिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा 2018-19 के बजट में आप देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड पहले किसे जारी होता था, पहले उन्हीं किसानों को जारी होता था किसान क्रेडिट कार्ड जो फसल उगाते हैं, चाहे वो खाद्यान्न की फसल उगाते हैं, चाहे वो नगदी फसल उगाते हैं, कैश क्रॉप उगाते हैं, या बागानी फसलों का उत्पादन करते हैं, प्लांटेशन का, या बागवानी हॉर्टिकल्चर का उत्पादन करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड वही बनवा सकते थे और किसान क्रेडिट कार्ड से वही लोन ले सकते थे। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है कि 2018-19 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ा दिया गया ऐसे किसानों के लिए भी जो पशुपालन करते हैं, अर्थात जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं और जो मत्स्य से, फिशरीज से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो मछली पालन करते हैं, जो फिशरीज से जुड़े हुए हैं और जो पशुपालन, ये बहुत बड़ा निर्णय माना जा रहा है सरकार का कि किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ा दिया गया पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे मत्स्य पालन और पशुपालन में ग्रोथ रेट बढ़ेगी और डेयरी प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट, डेयरी की मांग वैसे भी ज्यादा है शहरों में, डेयरी प्रोडक्ट की, दूध की मांग, दही की मांग, घी की मांग। अगर आप देखेंगे पतंजलि का घी, तो बाबा रामदेव ने खुद दिखाया कि 1200 करोड़ 1100 करोड़ रुपए सिर्फ उन्होंने घी बेच करके कमाया। तो आप समझ सकते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट की मांग और चॉकलेट की मांग, विभिन्न प्रकार के जो है छाछ, दही, दूध, इन सब की मांग तेजी से बढ़ी। इसके अलावा मछलियों की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसके नाते इन सेक्टर को बढ़ावा दे करके निश्चित रूप से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सरकार कर रहा है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे सरकार के द्वारा ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यद्यपि हम एक अगले जो क्लास में, बजट की अगली क्लास में हम लोग पूरा देखेंगे कि सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या प्लान घोषित किया है और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए क्या योजना बनाई है। लेकिन पहले यहाँ ध्यान से देखें कि इस सेक्टर पे सरकार का फोकस है और इस सेक्टर पे फोकस करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को यहाँ सरकार बढ़ावा देना चाहती है। इसीलिए अगर आप 2018-19 के बजट में देखेंगे तो एमएसएमई के बारे में, एमएसएमई के बारे में सरकार की घोषणा जो है इसी संदर्भ में ली गई घोषणा है। एमएसएमई की नई परिभाषा सरकार के द्वारा दी गई और कहा गया कि अब 0 से लेकर 250 करोड़ तक जो है टर्नओवर दिखाने वाली कंपनियां माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस होंगी, अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होंगे और इन पर निगम कर की दर 25% होगी और भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्रीज पर, हैवी इंडस्ट्रीज किसे कहा गया आपकी बार 2018-19 के बजट पे, जो 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर दिखाती है, ऐसी कंपनियों को हैवी इंडस्ट्री का नाम दिया गया है। और साथ में इन पे जो निगम कर की दरें हैं वो 30% की दर से ली जाएंगी। और इसमें भी अगर माइक्रो इंडस्ट्री की बात आप करें तो माइक्रो इंडस्ट्री का आप देखेंगे कि माइक्रो इंडस्ट्री के लिए सरकार के द्वारा लिमिट बढ़ाई गई है और 0 से लेकर 5 करोड़ तक जो कंपनियां टर्नओवर दिखाएंगी वो कंपनियां अब माइक्रो इंडस्ट्री में सूक्ष्म उद्योग या कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती, अर्थात वो सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और जो है इन इंडस्ट्रीज, क्योंकि अब कृषि क्षेत्र में जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, कृषि सहायक उद्योग है, वो भी फैल रहे हैं,
उनमें भी जो है लागत थोड़ा बढ़ रही है। इसलिए अगर शुरुआती वाला जो डेफिनेशन होता 0 से 25 लाख तक, तो अब तो आप कृषि क्षेत्र में किसी मशीन का, किसी भी जो है इक्विपमेंट्स का उपयोग ही नहीं कर पाते। इसलिए 0 से 5 करोड़ तक की जो लिमिट बनाई गई है सूक्ष्म उद्योगों की और लघु उद्योगों की, 5 करोड़ से लेकर 75 करोड़ तक की, उससे जो है औद्योगिक क्षेत्र के विकास की संभावना बनी। इस नाते उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय एमएसएमई के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस नाते, और इसको जो है आपने देखा कि इसके लिए एक वीडियो जो है YouTube पे डाला गया है हमारे द्वारा, और आप उसको एक बार दो बार उसको कायदे से सुन लेंगे एमएसएमई के बारे में, तो निश्चित रूप से उसके बारे में आप सारी बातों को जान जाएंगे, यहां समझने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्टअप करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ज्यादा है, और इसी नाते इसके संदर्भ में सरकार निर्णय ले रही है। यद्यपि आप जानते होंगे कि सरकार जब 2014-15 में आई नई सरकार, तो आते ही उसने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, और इसके अलावा डिजिटल इंडिया शुरू किया जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र दोनों के विकास के लिए 2014 में। स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 में शुरू किया गया जो दोनों सेक्टर को लाभ दिलाने वाला था। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, ये दोनों सेक्टर को बढ़ावा देने वाला था। अर्थात अगर देखें मेक इन इंडिया जैसा कार्यक्रम जो 2014-15 में शुरू किया गया और डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम शुरू किया गया, उससे मूलतः औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र को ही बढ़ावा मिलता है। इसके बाद डिजिटल इंडिया स्किल, इसके बाद स्किल इंडिया से सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को बढ़ावा मिलता है। स्टार्टअप इंडिया से जो है दोनों क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, सर्विस सेक्टर को भी और थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। तो इस नाते शुरुआती सरकार के जो कार्यक्रम रहे वो कार्यक्रम इन्हीं क्षेत्रों के विकास पर आधारित रहे। इस नाते औद्योगिक क्षेत्र का निष्पादन बहुत कम नहीं रहा। यद्यपि नोटबंदी की घटना के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ रेट घटी है, क्योंकि एक बार 2015-16 में औद्योगिक समृद्धि दर 7.4% तक हो गई थी, 7.4% तक हो गई थी, वो दोबारा गिर करके 5.2% हुई। यह भी अपने आप में चिंताजनक है, और फिर यहां से अब ये 5.6% आई है, आगे इसे जो है 7% से ऊपर ले जाने की योजना है और आगे चल के 8%। तो ये सरकार के इन्हीं कार्यक्रमों से, इन्हीं निर्णयों से संभव होगा, और निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके भारत में रोजगार और स्वरोजगार की दशाओं को बेहतर करना संभव होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो एक तरीके का जो है आप कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुराई की जाती है या भारतीय अर्थव्यवस्था की जो एक आलोचना है, वो आलोचना यही है कि जॉबलेस ग्रोथ वाली अर्थव्यवस्था है। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ है वो पर्याप्त नहीं है, इतना नहीं है कि वह सबको शामिल कर सके और सबके जीवन को बेहतर कर सके। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें ज्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, हमें ज्यादा हाथों से उत्पादन चाहिए। इसका मतलब महात्मा गांधी का जोर था ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो सबके जीवन को बेहतर बना सके, जो सबके लिए बेहतर जीवन को जो है बेहतर जीवन की संभावनाओं को उत्पन्न कर सके। इसीलिए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को फोकस किया था। लेकिन आप जानते हैं वर्तमान समय में गांधी जी के इस कथन को बदलने की जरूरत है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि हमें ज्यादा उत्पादन नहीं चाहिए, ज्यादा हाथों से चाहिए। अगर हम ज्यादा उत्पादन नहीं करेंगे तो ज्यादा हाथों से उत्पादन हो ही नहीं सकता। इसलिए महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट अब बदल करके ऐसे बोला जा सकता है कि हमें ज्यादा उत्पादन भी चाहिए और ज्यादा हाथों से चाहिए। अर्थात ज्यादा उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा, तभी अधिक हाथों से उत्पादन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट की जो संकल्पना रही है उसको लेकर सरकार का प्रयास रहा है।